ये रामू आज दोपहर से कहाँ गायब था रे? अरे वो हर साल संक्रांति पर भोले काका आते हैं ना, लेकिन इस बार न जाने कैसे जल्दी आ गए। अच्छा, नदी के किनारे दिख गए तो उन्हीं के पास बैठे थे और कहा। चल जल्दी से खाना खा ले, फिर अपन को काम पे जाना है। हाँ हाँ ठीक है। मालकिन पिछले 28 सालों में मैं 28 बार यहाँ आया हूँ। आपने रुपया पैसा अनाज सब कुछ दिया है मुझे, लेकिन मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। मगर आज 28 बार नहीं, 29 बार भोला। मेरा बेटा कैसा है? जी बहुत अच्छा है, वो बहुत ही बढ़िया है। कुल अपने मालिक की तरह बहुत लोगों की मदद करता रहता है। मैंने उसको सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कराई है। आपको पता है अपने कॉलेज में फर्स्ट आया है वो, और तो और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में नंबर वन है। अंग्रेजी में आर्किटेक्ट बोलते हैं ना जी। बुद्ध, बिल्कुल बुद्ध की तरह अहिंसा वाला है, लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर रहता है जी वो। पूरी जिंदगी में आज तक लड़के ने किसी से भी लड़ाई नहीं की जी। कोई उसके एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल आगे करता है, एकदम मासूम बच्चे की तरह है। जी लड़ाई झगड़ा करना तो दूर की बात, अगर टीवी पर कभी फाइटिंग वाली पिक्चर आ रही हो तो छोरा चैनल बदल देता है जी। अपने बच्चे को दूध पिलाना माँ का हक होता है, और ये हक किसी माँ से कोई नहीं छीन सकता। और बताओ उसके बारे में। जी गुस्से में भी बिल्कुल शांत रहता है। कभी कोई उसके साथ अगर झगड़ा भी कर बैठे ना तो पलट के कभी वार नहीं करता है। कपड़े तो एकदम साधारण पहनता है, उसके शब्दों में से तो जैसे फूल झड़ते हैं। कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, यूं समझ लीजिए कि इंसान के रूप में एक देवता है वो देवता। बहुत गुस्सा आता है मेरे को, भेजा सटक जाता है अपन का जब कोई किसी बच्चे को अपनी माँ से दूर करता है। खाने में उसे पालक पनीर पसंद है ना? जी पालक पनीर का तो दीवाना है वो, पालक के बिना तो खाना नहीं खाता। लेकिन आप ये सब कैसे जानती हैं? सच सच बताओ, मेरे बेटे की परवरिश कैसे की तूने? कहाँ है वो इस वक्त? जवाब दे भोला, वरना मैं गोली मार दूंगी। चलो बात खत्म करते हैं मालकिन, सूर्या आप ही का बेटा है। हाँ मालकिन, आप ही का खून है। सूर्या। हाँ हाँ जी मालकिन। सूर्या जी मालकिन।